आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, जनसुलभ पुस्तकालय के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इसके लोकप्रिय स्तंभ रचनाकार द्वारा रचना पाठ के अंतर्गत सुपरिचित कवि कथाकार प्रेम रंजन अनिमेश जी को सुनेंगे और आज की इस कड़ी में वे अपने शीघ्र प्रकाश्य उपन्यास के अंशों का पाठ करेंगे। इस कृति को लेकर अपना लेखकीय वक्तव्य भी देंगे। हम सभी जानते हैं कि वे किस तरह कविता और कथा और संस्मरण गजल कई विधाओं में सक्रिय हैं। गाते भी हैं, धुन भी बना लेते हैं और बेहद समर्पण के साथ उन्हें जितना समय मिलता है वे साहित्य को ही लेकर सांस लेते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। वर्तमान में मुंबई में हैं। कुछ पीछे चलते हैं तो सातवें दशक के उत्तरार्ध में आरा, भोजपुर, बिहार में प्रेम रंजन अनिमेश का जन्म होता है और वे काफी समय से हम जानते हैं कि लिख रहे हैं कविताएं और बाद में कहानियां। वर्ष 2004 में उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और क्या संयोग कि आज भी दो कवियों को दिल्ली में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे में हम एक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित कवि को पाकर यहां बेहद प्रसन्न हैं। मगर वह कवि आज कविताओं पर नहीं, कहानियों पर नहीं, अपने उपन्यास पर बात करेगा, उसके अंशों का पाठ करेगा। मित्रों, उनकी कविताओं के कई संग्रह हैं, कहानियां भी, लंबी लंबी कहानियां भी पत्रिकाओं में आती रही हैं और आज का जो यह उपन्यास है, जिस पर यह चर्चा हो रही है, यह भी दो उपन्यासिकाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है, इसलिए कि लेखक कहीं ना कहीं इस उपन्यास के पहले हिस्से को, जो कि कथा है, जो औपन्यासिक कथा है, एक स्त्री के नाम भूल जाने की कथा और नाम की तलाश में उसके संघर्ष के बारीक चित्रण, बाद में जो इसका दूसरा हिस्सा है जिसे लेखक ने पर्दे की दुनिया कहा है, उसमें इसी कथा पर फिल्म बनाई जाती है। जानबूझकर उपन्यासकार ने पहले भाग को इन्वर्टेड कॉमा डॉट 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 और उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, नामहीन को कहीं ना कहीं संकेतित करने की कोशिश में, और सुविधा के लिए उसे स्त्री गाथा कहा गया है। लेखक को यह सोचता है कि इस कहानी पर फिल्म बनाई जा रही है तो इसके लिए फिर वह पर्दे की दुनिया नाम से एक दूसरी उपन्यास का लिखता है। यह उपन्यास शीघ्र प्रकाश्य है और इसमें दोनों ही उपन्यासिकाएं एक ही जिल्द में हम पढ़ पाएंगे। पूर्व में भी कुछ एक पत्रिकाओं में प्रेम रंजन अनिमेश जी की उपन्यासिकाएं प्रकाशित हुई हैं, मसलन माई रे एक, दूसरा द हिंदी टीचर कथादेश में ये दो उपन्यासिकाएं प्रकाशित हुई। ये एक और दो मेरी सुविधा के लिए है, उपन्यासिकाओं का क्रम इससे अलग भी हो सकता है। नया ज्ञानोदय में
उनकी एक और उपन्यासिका चर्चित हुई पंचमी। कहानियों की बात हमने की और कई ऐसी और उपन्यासिकाएं हैं जो ड्राफ्ट के रूप में इनके पास सुरक्षित हैं, क्रमशः वे पुस्तकाकार आएंगी। तो आइए सीधे हम उपन्यासकार के पास चलते हैं और स्त्री गाथा और पर्दे की दुनिया इन दोनों ही उपन्यासिकाओं से कुछ अंशों को सुनते हैं और उसके पूर्व लेखक की ओर से हम यह भी जानेंगे कि इन कृतियों के रचे जाने की प्रक्रिया कैसी रही, क्या उसकी अपनी कथा रही। तो सीधे हम प्रेम जी के पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपना माइक ऑन कर लें। प्रेम रंजन अनिमेश जी, हार्दिक स्वागत, नमस्कार जी। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका और सारे जो मित्रगण जुड़े हैं और जनसुलभ के मंच का भी, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम लगातार दिए हैं। तो मेरे लिए एक अवसर है कि जैसा आपने कहा, यह उपन्यास जो शीघ्र प्रकाश्य है, जिसे कथन चिन्हों के अंदर कई सारे बिंदुओं के जरिए, जैसा आपने कहा, स्त्री के नामहीन होने को संकेतित करते हुए जो नाम है, और सहूलियत के लिए फिर उसे स्त्री गाथा कहा है। और जैसा आपने बताया, इसमें एक तरह से एक प्रयोग भी यह है कि दो उपन्यासिकाएं इसमें हैं, दो नवेला जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि स्त्री गाथा जो पहला भाग है, उस उपन्यासिका पर एक फिल्म बनने की एक बहुत रोचक कहानी अपने आप में, जो उस संसार से और कैसे साहित्य जब पर्दे पर आता है तो उसका क्या कायांतरण होता है और क्या क्या उसमें मुश्किलें बारीकियां आती हैं, और अंततः वो जो सारे लोग उससे जुड़े रहते हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, किस तरह से उनका भी एक तरह से उद्विकास होता है उसके साथ, अगर एक साहित्यिक कृति हो उसको पर्दे पर लाया जाए तो एक उसकी एक बहुत महीन एक तरह से प्रस्तुति है इसमें, जो आप लोग निश्चय ही जब उपन्यास आएगा पढ़ेंगे तो शायद आप लोग इसको सराह पाएंगे ज़्यादा। अभी तक जिन मित्रों ने पढ़ा है उनकी बहुत अच्छी राय है इसके बारे में, तो उससे उत्साह मिला और एक अवसर है कि जब पहली बार इसका कोई भी अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने सुनने वालों, देखने वालों के सामने। किसी पत्रिका में भी इसका कोई अंश अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, ये जनसुलभ से पहली बार इस मंच से मैं साझा करने वाला हूँ। अगर इसकी आप जानते हैं कि कवि कथाकार हो तो कई चीज़ें उसके साथ साथ चलती रहती हैं, जैसे आपने कहा कि लिखना अगर सांस लेना जैसा है, तो कोई भी कृति जो है वो भी सांस लेती रहती है, उस सांस लेते हुए रचनाकार के साथ साथ, और वो अपने आप को तैयार करती चलती है, रचनाकार के साथ साथ उसका विकास होता है, और कई कृतियां बहुत लंबे समय तक साथ रहती हैं, खासकर जो इस तरह की लंबी कृति है। अगर ये लगभग 200 पृष्ठों का उपन्यास है दोनों भागों को मिलाकर, तो ये एक समय तक चला, और जब वो कोई भी कृति लिखी जाती है तो वो लिखने वाले के फुर्सत और उसके अवकाश पर निर्भर करता है, लेकिन रचना तो अपने आप को लिखती जाती है, वो एक उसका एक तरह से आप समझे जैसे प्रिंट निकलता है किसी मशीन से, तो रचनाकार तो मशीन नहीं है लेकिन एक तरह से कागज़ पर जब कृति उतरती है तो वो दूसरी बार रची जाती है, पहली बार तो मन में रची जाती है। तो स्त्री गाथा का जो सूत्र है, जिसमें स्त्री अपना अचानक उसको महसूस होता है कि वो अपना नाम ही भूल गई है, तो उसकी अगर उसकी उसका स्रोत अगर देखें तो मैं बचपन में अपने गांव जाया करता था अपनी माँ के साथ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो छोटे बच्चे को लेके जाने की एक तरह से माँ की ललक रहती है कि वो छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं जाना है, तो गांव पे माँ जाती थी तो साथ में जाता था,
वहाँ पे मैंने चूंकि बचपन से थोड़ा संवेदनशील था, तो मैंने गौर किया कि कई स्त्रियां हैं घर परिवार में, और वहाँ तो बृहत्तर परिवार होता है, जिनका अरसे से किसी ने नाम नहीं सुना। वो तो या तो उस नाम से जानी जाती हैं जिस गांव से वो आई हैं, जहाँ की वो दुल्हन है, अमुक जगह वाली, या बड़ी चाची दादी छोटी, इस तरह से, लेकिन उनका नाम अरसे से किसी ने नहीं सुना है। और इसी प्रसंग में एक वृद्ध हमारे यहाँ दादी थी, जिनसे जब एक बार पूछा भी गया तो उनको खुद अपना नाम याद नहीं था, तो वो एक तरह से स्मृति मेरे जहन में रही। और जब मैं स्नातक की पढ़ाई कर रहा था पटना कॉलेज में, तो उस दौरान संयोग से कविताओं के साथ मैंने कहानियां भी लिखी, और दो कहानियां लगातार दो वर्षों तक वर्तमान साहित्य में, उस समय एक आयोजन होता था कृष्ण प्रताप स्मृति कहानी का, तो उसमें दो साल तक दो कहानियों तमाशबीन और पेड़ होती हुई लड़की को स्थान मिला। तो वो प्रोत्साहन पुरस्कार था, तो उस समय शुरुआत में जो जैसा होता है, मैं विद्यार्थी ही था, मुझे लगा कि ये इस पहलू पे अगर मैं कहानी लिखूं तो बहुत सशक्त कथा होगी, और मैंने लिखी भी, तो एक तरह से इस कहानी की भी कहानी है। तो स्त्री गाथा का पहला रूप था वो एक लंबी कहानी की तरह था, लगभग 25 पृष्ठों का, और उसको मैंने भेजा भी, लेकिन डाक की गलती से वो दोबारा मेरे पास ही आ गया, जबकि सब नाम पते जो हैं दाहिनी तरफ जहाँ पहुँचना था वहाँ का पता था, बाईं तरफ प्रेषक में मेरा पता था। तो मुझे बहुत निराशा हुई, वो उस ज़माने में लगभग 25 रुपयों के डाक टिकट उसमें लगे थे, और मैं अपने जेब खर्च से उसको मैंने ये किया था, तो मुझे बहुत दुख भी हुआ। मैं सीधा जो पोस्टमास्टर जनरल हैं उनके पास गया जीपीओ में, मैंने उनको कहा कि देखिए ऐसे ऐसे गलती से आपके विभाग ने मेरा पत्र मुझे को वापस कर दिया है पत्रिका में भेजने के बदले। तो उन्होंने सब प्रति जो था उसमें टू लिखा अंग्रेजी में, प्रेषक में फॉर्म लिखा, और अपने सारे कर्मचारियों को एक एक करके उन्होंने दिखाया कि ये गलती आप आगे से ना करें। अंत में उनका ध्यान है कि वो आरएमएस से भेजा गया था, तो खैर गलती, लेकिन उन्होंने अपनी मानी और सबको बताया। वो बहुत दिन तक कहानी और वो लिफाफा वगैरह सब मेरे पास सुरक्षित रहा। आगे मैंने इसको कथा को और बढ़ाया और ये उपन्यास की शक्ल में आया, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो पिछले लगभग 15 सालों से मैं मुंबई हूँ, तो मुंबई आने के बाद उसको मैंने बढ़ाया पर्दे की दुनिया को। तो इस तरह से एक कालखंड में एक उस समय की कहानी है जब स्त्री, जब ये कई कागजात नहीं हुआ करते थे गांव में भी, जैसे अभी तो आधार और कई चीज़ें हैं, तो उसमें एक स्त्री अपना नाम भूल जाती है, वो तलाश करने की कोशिश करती है बहुत जगहों पर। और दूसरे हिस्से में उसी कहानी को पर्दे पर लाने की कोशिश है, और उसमें क्या घटता है, क्या जुड़ता है, क्या बढ़ता है। तो मैं दोनों अंश खंडों से एक एक अंश आपके सामने पढ़ूंगा। उसके पहले मैं इस छोटी सी भूमिका के साथ मैं आपको शायद रुचिकर लगेगा कि मैं जो दोनों खंडों के जो अध्याय हैं उनका भी नाम है, मैं वो नाम आपको बताऊं। जैसे स्त्री गाथा जो है उसमें पहला अध्याय जो है वो वही है जो उपन्यास का नाम है, मतलब कथन चिन्हों के अंदर कई बिंदियां हैं जो संकेतित करते हैं कि कुछ संज्ञा जो है यहाँ से खो गई है। तो इस प्रथम अंश में, प्रथम अध्याय में स्त्री को एहसास होता है उसके अंतिम चरण में कि वो अपना नाम ही याद नहीं कर पा रही है। दूसरा इसका अध्याय है संबंध वाचक, तीसरा है परिचय पत्र, चौथा है अनुत्तरित, पांचवा अनारक्षित, छठा अध्याय है मेले में खोया बच्चा, सातवां है घर का नाम प्यार का नाम, आठवां अध्याय है लौटती हुई नदी, और इस खंड का चरम अध्याय जो है वो है पानी की पगडंडी। दूसरा अंश जो पर्दे की दुनिया है उसके नाम भी आपको
शायद आकर्षित करें। उसका पहला अध्याय है दरवाजा खुलता है, दूसरा अध्याय है देवलोक के दो, तीसरा अध्याय है ये आलम शौक का, चौथा है जलती बुझती बत्तियां, पांचवा है औरत की कहानी, छठा है पानी में लौ, सातवां अध्याय है इसका पर्दे की दुनिया का, यह कहानी मेरी है, आठवां बुदबुदा और बूंद, नवा अध्याय है पत्ते की औकात, और शर्मोत्कर्ष जो इस उपन्यास का भी और इस दूसरे खंड का भी है, उपसंहार, उसका कोई दोष नहीं है। तो ये अंश हैं इसके, अध्याय हैं इस उपन्यास के। मैं क्या करता हूं कि आपकी अनुमति से पहले खंड स्त्री गाथा से अंतिम से पहले का जो इसका अध्याय है लौटती हुई नदी, पहले वो आपको सुनाता हूं, फिर पर्दे की दुनिया से एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहले लीजिए सुनते हैं स्त्री गाथा से लौटती हुई नदी। उस फटे हुए नक्शे को जैसे उसने फिर से जोड़ा और उस इलाके को गौर से देखा जहां उसका गांव था। गांव आमतौर पर मानचित्र से बाहर होते हैं, उनके नाम की एक बिंदी भी नहीं होती वहां, और उसका गांव तो ऐसे भी एक साधारण सा गांव था, लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव, उसे गांव जाना था। शायद उसका परिचय पत्र, उसके प्रमाण पत्र वहां मां की पेटी में होंगे और उनमें होगा उसका नाम। वो चलने को तैयार हो गई और रुकती, स्कूल टीचर ने कहा। इसके पहले लड़की अपने स्कूल गई थी और रुकती, स्कूल टीचर ने कहा, अब रुक नहीं सकती, काम है। जा रही हो राधे, कृष्णा बोली, इतनी देर से आई और इतनी जल्दी, तुम्हारी राधे तो वहां है ही। वह मुस्कुराई, अभी नहीं जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर बातें करते रहे, तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। टीचर को सहसा याद आया, तुम्हारा नाम क्या है राधे? अभी राधे ही याद रहे, अगली बार आऊंगी तो बताऊंगी। वह हंसी और मुड़ गई। सड़क पर आकर इधर उधर देखा, कहीं ऑटो वाला इंतजार तो नहीं कर रहा, लेकिन वह नहीं था। कुछ दूर आगे एक रिक्शा खड़ा दिखाई दिया, पता नहीं उसमें रिक्शा वाला था या नहीं। रिक्शे तो खैर आगे मिल जाएंगे, अगले मोड़ पर जरूर होंगे, पर सोचा पैदल ही चली जाए, आध पौन घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। स्टेशन से कुछ आगे बस अड्डा था, उधर जाने से पहले सोचा एक बार आकाशवाणी केंद्र होती हुई चले, कहीं उसकी 15 साल पहले की रिकॉर्डिंग का कोई रिकॉर्ड हो वहां। बाईं ओर का रास्ता स्टेशन और बस अड्डे जाता था, मुड़कर दाहिनी तरफ बढ़ने पर आकाशवाणी भवन था। तेज चाल से चलती वह आकाशवाणी भवन के परिसर में घुसी। मैडम मैडम, फाटक पर खड़े दरबार ने आवाज लगाई। वह ठिठकी, पहले यहां पास बनवाते जाइए। फाटक के पास ही छोटा सा कक्ष था, वहां बैठे आदमी ने रजिस्टर आगे कर दिया जिसमें नाम पता समय किससे मिलना है क्यों मिलना है जैसे खाने थे।
ये सब रहने दीजिए, उसने रजिस्टर उसकी तरफ करते हुए कहा। मैं जल्दी से जाऊंगी और तुरंत लौट कर चली आऊंगी। इधर जितना समय लगेगा उतने में उधर काम हो जाएगा। जरूरी लगेगा तो लौटते वक्त यह सब भरवा लीजिएगा। गेट पास वाला थोड़ा हचकचाया। लहजे से उसे लगा कहीं यह कोई पहुंच वाली महिला ना हो। बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता आजकल साधारण वेशभूषा में घूमते फिरते रहते हैं और न पहचानने या पहचान पूछे जाने पर मुसीबत खड़ी कर देते हैं। पिछले दिन इसी तरह जिद कर वह डांट खा चुका था ऊपर से, लेकिन सिक्योरिटी का अलग झमेला था। कागज पर नियम कड़े हो गए थे, मानो तो झंझट न मानो तब भी दोनों तरफ से मार तो उसी को पड़नी थी। आप ठहर जाइए। ठहर तो मैं सकती नहीं, वह बोली। मेरा मतलब रोकता नहीं, मैं फोन से पूछ लेता हूं, वह और हड़बड़ा गया। आपकी रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग तो एक बार पहले हो चुकी है। आप आर्टिस्ट हैं? कहाँ जाना है? लोकगीत अनुभाग में इतना सब पूछ रहे हैं, आपने तो जुबानी रजिस्टर भरवाना चालू कर दिया। क्या फायदा, समय तो जा रहा है, यह सब तो लौटकर भी हो सकता था। एक सेकंड मैडम, बस बस एक सेकंड, वह पूरा हड़बड़ा गया। जल्दी जल्दी फोन घुमाया। हाँ, लोकगीत विभाग, कौन? मनसुख साहब, मैं गेट से बोल रहा हूँ। एक महिला है, आर्टिस्ट हैं, आना चाहती हैं, जल्दी में हैं, यही यही मैंने रोका हुआ है पास काउंटर पर। अरे बेवकूफ, वे जल्दी में हैं और तुमने रोक रखा है। वे श्यामा जी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, अभी सब तैयारी हो चुकी है, हम कब से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। मैडम आप जाइए, जल्दी जाइए, उसने फोन रखते हुए कहा। सीढ़ी से ऊपर जाकर बाईं ओर पहला फ्लोर आपको तो याद ही होगा, उसने पीछे से जोड़ा। उसे इतना कहाँ याद था। सीढ़ियां चढ़कर पहले तल पर जाकर इधर उधर देखने लगी। कतार में कमरे थे, सब एक से, पर्दे दरवाजे और बाहर नाम पट्टियां जिन पर अलग अलग नाम थे, सब अनजाने। अचकचाई हुई थी कि एक कर्मचारी लिफ्ट से निकला और उसे ढूंढता हुआ पाकर खुश हो गया। फोक सेक्शन जाना है मैडम, आइए आइए, चलिए ना, मनसुख साहब राह देख रहे हैं। बहुत देर कर दी मैडम, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मनसुख साहब ने अपने मोटे फ्रेम के चश्मे से उसे देखते कहा और उठकर स्वागत किया। हाँ देर तो हो गई, तो सीधे रिकॉर्डिंग रूम चले, सब तैयार है, बाकी सब लोग वहां पहुंच चुके हैं, बस आपका इंतजार है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पहले जरा सांस तो लेने दो आपको, चाय तो पिलाऊं कम से कम। जा भाग कर जा और चाय के लिए बोल दे फटाफट, उन्होंने पास खड़े कर्मचारी को इशारा किया। चाय पी लें फिर सीधे रिकॉर्डिंग के लिए चलते हैं। मेरे ख्याल से एक रिहर्सल कर लेना ठीक रहेगा रिकॉर्डिंग से पहले। वह पूरी तरह आप पर है, जैसी आपकी मर्जी। आप तो बचपन से गा रही होंगी, मनसुख साहब ने ऐनक पहुंच कर फिर से चढ़ाया। हाँ, सिर हिलाया उसने, पर रेडियो के लिए ज्यादा नहीं गाया, बस एक बार ही गाया है। हाँ मैं जानता हूं, समझ सकता हूं, आप जैसा गायक रेडियो स्टेशन पर रहा है, यह हमारी खुशकिस्मती है और हमारे श्रोताओं के लिए भी। आप लोकगीत ही गाती हैं? जी ज्यादातर। किससे सीखा आपने? माँ से, मेरी माँ गाती थी। बेशक बेशक, माँ तो सबसे बड़ी गुरु होती हैं और पहली शिक्षिका भी, उन्होंने गर्म चाय जल्दी जल्दी सुलगते हुए कहा। कब कहाँ किसने रचा, कैसे रचा गया, कुछ पता नहीं होता, लिखने वाले का नाम भी नहीं होता कई बार,
पर उसकी आत्मा होती है। एक समूह का जीवन, मैं कभी सोचता हूँ मैडम, लोकगीत में गाने वाला का नाम भी नहीं होना चाहिए, बस एक समूह, एक स्थान का बोध करा दे बस। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस मीडियम में बहुत कुछ अपनी तरह से करने की छूट नहीं है शायद। मनसुख जी ने चाय पीकर गिलास मेज पर रखते हुए कहा। उसकी चाय भी पूरी हो चुकी थी। लीजिए इसे साइन कर दीजिए तब तक, उन्होंने कागज आगे सरकाया, तब तक चेक रेडी हो जाएगा। जी जी जी, चेक की जरूरत नहीं, उसके मुंह से अनायास निकला। क्यों जरूरत नहीं है, हम सबको है। मेरे ख्याल से लोक गीत गाने का कोई पारिश्रमिक भी नहीं होना चाहिए, उसने बात को संभाला। आपके विचार भी मुझसे मिलते हैं, महान विचार हैं, हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ले लेने में कोई हर्ज नहीं, सरकार देती है और सरकार अच्छा काम करती है, इससे कलाकारों को बढ़ावा मिलता है, खासकर पारंपरिक कलाकारों को। नहीं तो कई बड़े प्रतिभाशाली और दुर्लभ कलाकार अभावों के चलते अपना और अपनी कला का संरक्षण नहीं कर पाते, अपने को बचा नहीं पाते। अभी साइन नहीं करने से लेट पेमेंट हो जाएगा मैडम, और उसमें बड़ी देरी हो जाती है कई बार। मैं अनुबंध पत्र भिजवा देता आपको, लेकिन डाक से भिजवा न सका, कार्यक्रम इस तरह अंतिम समय में तय हुआ, आप तो जानती हैं अक्सर इसी तरह होता है सब, हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे बढ़े अनुबंध पत्र को और आगे बढ़ाया। उसने अनुबंध पत्र को देखा, राशि नहीं देखी, बस नाम देखा, श्यामा देवी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बोली वह, मगर मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मनसुख साहब सकपकाए, उन्होंने पहले इसे दूसरे अर्थ में लिया, फिर संभलते हुए बोले, आप प्रख्यात लोक गायिका श्यामा देवी ही तो हैं। जी, लोक गीत गाना जानती हूं, लेकिन बस ऐसे ही, मैं प्रख्यात नहीं हूं। यह आपकी विनम्रता है, बड़प्पन है आपका। नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं वो हूं नहीं जिसके लिए आपका यह कार्यक्रम, यह अनुबंध है। आप इन सबसे बहुत ऊंची चीज हैं, जानता हूं मैं, लेकिन श्यामा जी, जी मैं वह नहीं हूं। क्या? मनसुख साहब अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर जितना पीछे जा सकते थे गए। आपका मतलब आप नहीं हैं? जी नहीं। तो फिर क्यों समय खराब कर रहे हैं हम लोग? हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, समय तो यूं ही खराब हो रहा था, खराब चल रहा है, लेकिन आपको पहले ही बताना चाहिए था कि आप श्यामा जी नहीं हैं, श्यामा जी नहीं। उनका चेहरा टेप से बाहर निकली उलझी हुई रील की तरह हो गया था। क्या नहीं हूं, ये बताने के लिए तो सब कुछ बताना पड़ेगा, और इसके लिए भी जानना तो होगा कि क्या हूं मैं। बड़ी दिलचस्प बला है आप, बड़ी दिलचस्प। ठीक है, बताइए किस लिए आई फिर यहां? मनसुख साहब का सिर किसी पत्थर की तरह हिलता जा रहा था, जैसे किसी ने हथौड़ा मारकर छोड़ दिया हो। अभी तो बताया। ओहो, बता दिया, मैं गौर नहीं कर सका, न जाने मुझे क्या हो गया है, हालांकि ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए। अच्छा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, किस काम आ सकता हूँ, एक बार फिर से कहिए। जी, आपके यहाँ आर्टिस्टों का कैटलॉग तो रखते होंगे ना, मुझे देखना है उसमें मेरा नाम है या नहीं। नाम का क्या है, वह तो अभी भी डाला जा सकता है, और नाम वाले को काम मिले यह भी जरूरी नहीं। अब बताइए, श्यामा जी का ही नाम कहाँ है इसमें? नाम वाले यहाँ ऐसे ही पड़े रह जाते हैं,
बिना नाम वाले बुला लिए जाते हैं, हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, मुझे इसी में अपना एक बार नाम देख लेना है। ठीक है देख लीजिए इधर। मंसूर जी ने किनारे रखे कैटलॉग के दराजों को इशारा किया और उठकर कमरे से बाहर आ गए। वह बाहर निकली तो पूछा, नाम मिला? मनसुख साहब गलियारे में चहलकदमी कर रहे थे। जी नहीं मिला, कैटलॉग में नाम अपडेटेड नहीं है। उसमें कई ऐसे कलाकारों के नाम हैं जो गुजर चुके हैं, हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, कलाकार कभी गुजरता नहीं। आपने अच्छी तरह से देखा? जी सब देख लिया। तो फिर क्या किया जाए? अब बताइए, आपकी कभी रिकॉर्डिंग हुई थी? हुई थी? हाँ, कॉलेज का एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था 15 साल पहले। क्या उसकी रिकॉर्डिंग होगी? क्या मजाक करती हैं आप भी? अच्छा मजाक कर लेती हैं, हालांकि ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए। यहाँ 5 दिन पहले का मटेरियल तो मुश्किल से मिलता है। बड़े बड़े आर्टिस्टों के भी पहले के रिकॉर्डिंग नहीं मिलते, क्योंकि तब उनका नाम नहीं था कोई। यहाँ जब तक बड़ा नाम नहीं हो, आगे पीछे कोई केयर नहीं करता। जी धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने हाथ जोड़े। मुझे भी, मनसुख साहब गुदगुदाए। मिलाने के लिए उन्होंने पहले हाथ बढ़ाए फिर हाथ जोड़ दिए। गो उनके चेहरे से कुछ और लग रहा था, जैसे अरसे से खुशी से भेंट नहीं हुई हो। वैसे यहाँ होकर अब खुशी नहीं होती, हालांकि ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए। बाहर निकलते समय दरबार ने जोश से अभिवादन किया। गेट पास वाला आदमी ऊंघ रहा था, दरबार के अभिवादन से चौंक कर जागा और उसने भी अभिवादन भरी मुस्कान फेंकी। बिना नाम के भी पहचान होती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, उसने सोचा। अब वह फिर सड़क पर थी। एक ही रास्ता था जो उसके गांव जाता था। गांव के 2 जरिए थे, रेल आधी दूर तक जाती थी, उतर कर फिर जीप टेकर या छोटी बस पकड़कर जाना होता था। बस यहां से भी सीधे वहां तक जाती थी, लेकिन बस में परेशानी होती उसे, मन उमड़ता घुमड़ता था। स्टेशन आ गया, 1 घंटे बाद सवारी गाड़ी आने वाली थी, तब तक क्या करे? उसे याद आया रेल डाक सेवा यानी RMS का कार्यालय पास में ही था, जहां बाबूजी काम किया करते थे। क्यों ना वहां हो आए तब तक। कार्यालय के कुछ लोग बाबूजी के साथ घर आते थे कभी कभी, बाद के दिनों में बीमारी के समय उन्हें देखने भी। कोई पहचान का मिल जाए शायद, मतलब यह टिकट अब भी लौटाया जा सकता है। एक अप्रत्याशित रोमांच महसूस हुआ एक पल के लिए, जैसे सर्दी के मौसम में धूप में आकर एक बारगी देह कांप जाती है। टिकट घर के आगे दाहिने निकलना था, जहां प्लेटफॉर्म खत्म होता था। बाबूजी ने एक बार दूर से दिखाई थी अपने काम करने की जगह, वहां चिट्ठियों के अंबार में कई लोग बैठे हुए थे। जी जी राम लक्षण बाबू मेरे पिता थे, उनमें से एक से कहा उसने। उनके नाम की कोई चिट्ठी है क्या? वह आदमी चिट्ठियों के ढेर में सिर झुकाए रहा। जी नहीं, वे तो गुजर चुके हैं 15 साल पहले। उससे क्या, गुजरे हुए लोगों की भी चिट्ठी आती है? जी मैं उनकी बेटी हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? यह आप लोगों का आपसी मामला है, वे यही काम करते थे, आप लोगों के साथ काम करते थे। क्या कहा, नाम क्या बताया? श्री राम लक्षण सिंह।
ओहो, राम लक्ष्मण बाबू। अच्छा, इधर आओ। वह उसे कार्यालय के सबसे बुजुर्ग कर्मचारी के पास ले गया। 2 महीने बाद वह बुजुर्ग कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले थे। हाँ, थे तो राम लक्ष्मण बाबू बड़े भले आदमी। हम लोग जब नए नए आए थे तो बड़ी मदद की थी, बराबर मार्गदर्शन करते, जबरदस्ती कहा इतने रुपए जरूर कटवाओ पीएफ में, जो गलती हमने की वह मत करो। हमारे वक्त कोई था नहीं बताने वाला। उन्हीं के चलते अब रिटायरमेंट नजदीक होते हुए भी मैं इतनी आराम की स्थिति में हूं और बेफिक्र हूं। बुजुर्ग अपने साथ सेक्शन इंचार्ज के पास ले गए। अब पुराने लोगों के बकायों की एक लिस्ट आई थी मेरे पास कुछ दिन पहले। कुछ लोगों के छोटे मोटे बकाए रह गए थे काम से जाने के बाद। दो चार लोगों के ऊपर भी बकाया है, क्वार्टर का, कॉपरेटिव का। मैं देखता हूँ, उसने फाइल देखते हुए कहा। जी, मैं इसके लिए नहीं आई, उसने कहना चाहा, लेकिन तब तक वह फाइल निकाल चुका था। हाँ, देखिए देखिए, राम लक्षण बाबू की छुट्टियों का कुछ पैसा बाकी है, मुझे याद था। आप उनकी बेटी हैं? हाँ। वह याद कर रही थी कि क्या वह आदमी कभी उनके यहाँ आया था पिताजी के साथ, लेकिन वह तो नई उम्र का लग रहा था। उस समय कार्यालय में होगा भी नहीं शायद। देखो, उन्होंने नामित किया हुआ अपनी पत्नी को। क्या आपकी माँ जीवित है? जी नहीं। ओहो, कोई और भाई बहन? नहीं। तो आपको इन दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा। आपके पास कोई प्रमाण है कि आप उनकी बेटी हैं? मेरा मतलब कोई परिचय पत्र, कोई प्रमाण पत्र जिसमें आपका और उनका नाम हो। उसी के लिए तो निकली हूं। तो अविलंब लेकर आइए, उसके बिना काम नहीं होगा। वह तो जरूरी है। दो चाय के लिए बोल दिया क्या? उसने पास खड़े चपरासी को देखकर पूछा। जी, जरूरी नहीं है, चाय मैंने पी है। उसने हाथ जोड़े और बाहर निकल आए। सवारी गाड़ी हर स्टेशन पर रुक रुक कर जा रही थी, बीच बीच में बिना स्टेशन के भी। ऐसी एक जगह गाड़ी रुकी हुई थी। इनको भी नाम दे देने से ये स्टेशन हो जाएंगे, सोचा उसने। यह हो सकता है कोई नाम हो इस पड़ाव, इस जगह, इस ठहराव का भी, आसपास के किसी गांव कस्बे के नाम पर जो उसे नहीं पता। गांव का नाम भी किसी के नाम पर हो सकता है, किसी पेड़, किसी चिड़िया, किसी पहाड़ के नाम पर। कुछ और आगे चलकर फिर ऐसे ही बिना किसी नाम के पड़ाव पर गाड़ी ठहर गई। एक करुण सी आवाज के साथ, कुछ लोग होंगे शायद जो गाड़ी को रोकते हुए इधर, इसलिए कि उनके घर नजदीक होंगे। शायद वो रोज रोकते होंगे यहाँ गाड़ी को, ड्राइवर भी जानता होगा, और किसी दिन उनके न रोकने पर खुद गाड़ी यहाँ खड़ी कर देता होगा। पर वे छोटे छोटे लोग हैं, इसीलिए यह पड़ाव अघोषित, अनौपचारिक, अनाम है। कोई बड़ा आदमी, कोई विधायक, सांसद, कोई मंत्री इस पड़ाव को औपचारिक कर देगा शायद कभी, और फिर यह पड़ाव उसके नाम हो जाएगा। तो यह पहले खंड स्त्री गाथा से एक अध्याय मैंने पढ़ा, लौटती हुई नदी। अब मैं दूसरे खंड की ओर आपको ले चलूंगा। दूसरे खंड से दूसरा अध्याय, जैसा मैंने पहले आपको बताया, पहला अध्याय है दरवाजा खुलता है और दूसरा अध्याय है देवलोक के दो। तो उस अध्याय का जो अंश है, बल्कि ये पूरा अध्याय मैं आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको रुचिकर लगे। देवलोक के दो।
और इस बीच आप सब लोगों में से कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, मैं स्क्रीन पर जितना देख सका, आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद। और आप लोगों की उपस्थिति बहुत हौसला अफजाई करती है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और एक जुड़ाव सा महसूस होता है और लगता है कि सचमुच एक मंच पर हम लोग साहित्यिक संवाद में जुड़े हुए हैं। तो यह दूसरा अंश देवलोक के दो, तो जैसा मैंने बताया कि पहला जो अंश है, पहला जो भाग है इस उपन्यास के स्त्री गाथा, तो वह उपन्यासिका की तरह है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है और दोनों जुड़े भी हैं। तो यह प्रविधि मुझे अच्छी लगती है, मैं कविताओं में भी इसका प्रयोग करता हूँ जिसमें कविताएं श्रृंखलाएं रचता हूँ और वो स्वतंत्र कविताएं भी होती हैं और मिलकर एक समग्र और व्यापक वृतांत बनाती हैं। मैंने थोड़ा बहुत उसका प्रयोग यहाँ भी किया है और दोनों उपन्यासिकाएँ स्वतंत्र रूप से भी अपना अस्तित्व रखती हैं और दोनों अंतर संबद्ध भी हैं एक दूसरे से, सीमलेसली जिसको बोलते हैं, बिना किसी सीवन के जुड़ी भी हैं, क्योंकि यही उपन्यासिका स्त्री गाथा लेकर उसका लेखक जो है वो माया नगरी में आता है और उस पर एक फिल्म बनना शुरू होती है संघर्षों के बाद। और उसका उसमें फिर आप तो जानते हैं चलचित्र जो है कई कलाओं का संगम है और कई तरह के लोग जुड़े होते हैं, एक तरह से कई जीवन उसके साथ जुड़े होते हैं और उन जीवन की गाथाएं भी इसके साथ चलती हैं। तो एक तरह से पर्दे के आगे पीछे और उसके चारों ओर जो घटित होता है उसको एक सृजनात्मक रूप से उसको पकड़ने की कोशिश की है। तो पर्दे की दुनिया से ये दूसरा अंश देवलोक के दो। पिछले कुछ दिनों से काफी कुछ हुआ था, कुछ होता है तो घटना क्यों कहते हैं या फिर बीतना, वह क्या जुड़ना नहीं हो सकता? महासमुद्र वाले इस महानगर में अपने साथ जो नदी लेकर आया था उसमें बहुत पानी बहा था इन दिनों में। तथागत सूत्रधार या कहानीकार या उपन्यासकार के अलावा तथागत इस कहानी का, इस दूसरे अंश का, पर्दे की दुनिया का मुख्य पात्र है, जो कथावाचक का मित्र है और पहले से इस माया नगरी में है। तथागत के साथ पहली बार किसी सितारों वाले जश्न में जाने का अनुभव मिला था। पार्टी छोटी सी ही थी। तथागत के सीरियल निर्माता ने अपने धारावाहिक की सफल 50 कड़ियां पूरी होने के उपलक्ष्य में दी थी, लेकिन उनका परिचय और दायरा बहुत बड़ा था, फिल्म निर्माण से भी जुड़े हुए थे पहले, लिहाजा कुछ बड़ी हस्तियां भी आई थी इस छोटी पार्टी में। वैसे भी अभी पर्दा महत्वपूर्ण था, बड़े और छोटे के बीच की विभाजक रेखा बहुत महीन हो गई थी, बहुत फीकी सी। उसके लिए यह सब एक मेले की तरह था। पहले पहल कुछ वैसी ही कौतुक लेकर वह चला था, पहुंचकर देखा तो एक भीड़ थी जिसमें एक तरफ अकेला था वह। और फिर जब महफिल परवान चढ़ी और पी पिलाकर लोग खुलने लगे, आपसी मोहब्बत कहीं गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आई, जिसे अच्छी भाषा में खुलना कहा जाता है, तो एक तमाशे की तरह था उसके आगे। उसे साथ लेकर जाते तथागत को शायद अपना पहला मौका याद आया होगा इस तरह के किसी जमावड़े में जाने का। बहुत सुदूर अतीत नहीं हुआ था उसके लिए भी। वह और बात है कि जो बीतता है, आदमी अपने आगे बढ़ने की धुन में से और पीछे धकेलता जाता है। उसके साथ फिलहाल ऐसा नहीं हुआ था। मूलतः सर्जक हृदय होने का असर था शायद। देखो तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं और वापस लौटूंगा भी तुम्हें लेकर, चलते हुए कहा था तथागत ने। लेकिन मुमकिन है पार्टी में हमेशा नहीं रह पाऊं तुम्हारे साथ, कुछ लोगों से संपर्क है मेरा।
कुछ आगे की बात करनी है, तुम एंजॉय करना अपना, बी योरसेल्फ एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसी पार्टियों में मैं यही फलसफा रखता हूँ, तुम भी उसे अपना और अपने को उसका एक हिस्सा समझना और होने की कोशिश करना, फिर उसका लुत्फ ले सकोगे। मुझे नहीं मिला हुआ किसी से। अब देखो, अपने मिलने से जो समय मिला तो तुम्हें भी मिलाऊंगा, बेशक। वह मुस्कराया, दोस्त जैसी मुस्कान। देर तक लगता रहा जैसे किसी ऐसी शादी में चला आया है जहां पहचान का कोई नहीं। ऐसी कुछ शादियों में वह गया था या कि जाना पड़ा था। घर में निमंत्रण था और जरूरी था जाना, किसी का सुझाना पड़ा। ऐसे में कुछ एक बार तो बस कुछ देर रहकर या कहें कि शामियाने को छू कर वापस लौट भी आया था, बिना कुछ खाए पिए न्योते का लिफाफा थमाकर किसी को। लौटते समय चाल और तेज होती, इसलिए कि ऊहापोह के बाद निर्णय तक पहुंच चुका होता, या शायद इसलिए कि कहीं कोई पहचान कर पीछे से पुकार न ले। अंदेशा नहीं, हालांकि इसे उम्मीद कहना चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद जो हमेशा बची हुई रह जाती है, जैसे घी का बर्तन खाली करने के बाद भी उसमें थोड़ा घी लगा रह जाता, जो हटाने के बाद भी काई रह जाती, छिलने के बावजूद घास, जैसे प्यार रह जाता परे होने के बाद। वह यह सब सोच रहा था क्योंकि इस तरह अकेला था, भीड़ में अकेला और एक किनारे, जो अकेले नहीं थे सोच नहीं रहे थे। सोच अकेला करती है और अकेलापन देता है सोच। वे कई लोगों से मिल रहे थे, कई लोगों के साथ थे, कई तरफ। वे सब सोच चुके होंगे, वे सब सोच चुके होंगे। पीने पिलाने का दौर चल रहा था, इन सब से दूर रहता था, इसलिए भी अलग थलग था। तथागत ने इतना किया कि परिचारक से कहकर उसके लिए सादा शीतल पेय भिजवा दिया। कोल्ड ड्रिंक लेकर वह अपने कोने के भीतर किसी कोने में सरकने लगा कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, भरी महफिल में एक मर्द बचकाना काम कर रहा है या औरत आना। हालांकि न कोई देख रहा था न सोच रहा था, फुर्सत किसे थी। सिवा उसके तभी देखा दूसरे कोने पर कोई उसी की तरह खड़ा था, शीतल पे हाथ में लिए, अकेला, बल्कि अकेली। इतनी दूर से सिर्फ रंगत देख पहचानना मुश्किल था, पर अपनी तरह किसी को पाने की दिली शिद्दत ने शायद यह शक्ति दे दी। थिरकते उलझते फलांगते झूमते आंखों के आगे आते जाते कई लोगों के बीच से देखा उसने। क्षण भर संकोच के बाद वह उधर हो लिया, संकोच इसलिए कि आदमी नहीं, वह एक औरत थी, एक लड़की, लेकिन इस अलगाव और अकेलेपन से उबरने की ललक खींचती हुई ले चली। लड़की कोल्ड ड्रिंक के साथ उसे अपनी ओर आते देख मुस्कुराई, उसे जानती पहचानती तो थी नहीं, यह मुस्कान शायद शीतल पेय के लिए थी। मुमकिन है उसने उसे नर्म पेय के पैमाने की तरह अपनी ओर आते देखा हो। लड़की की आंखें भी ऐसी थीं जैसे वह एक निगाह या एक सांस में पी जाएगी। सोचकर वह मुस्कुराया, हालांकि मुस्कुराने की बात थी नहीं। हेलो, पास आकर धीरे से अभिवादन में कहा और उसी क्षण पहचान उभरी एक कौंध की तरह। अरे ये तो सुनीरा जी थी, सिने दुनिया की खासी चर्चित नायिका। अधिक समय नहीं हुआ था उनके चर्चित काल का, हालांकि इस दुनिया में विस्मरण तीव्र होता है और स्मृति काफी फीकी।
कदकाठी ऐसी थी, दुबली पतली छहरी, कि दूर से किसी आम लड़की की तरह लग रही थी। तो ये भी है, उसने सोचा मन में, ये भी हैं ऐसे, सुनीरा जी ने सोचा होगा उसे देखकर शायद। लेकिन यह तो तब सोचती जब कोई पहचान होती, ऐसे भी लोग हैं सोचा होगा, अगर सोचा होगा। अमूमन सोचने वाले लोग भी ऐसी महफिलों में अपनी सोच घर पर रखकर आते हैं। आप हमेशा यही लेती हैं, उसे आश्चर्य हुआ, इतनी सहजता से उसने पूछ लिया। यही समझिए, उन्होंने अभिनेत्री सुलभ उत्तर दिया, वैसे भी आज मेरा उपवास है, हर दिन मैं कुछ नहीं लेती, ये तो वंशीधर जी ने बहुत जोर दिया। वंशीधर जी तथागत के सीरियल निर्माता थे, गए जमाने में फिल्में भी बनाते थे, आजकल धार्मिक और पौराणिक धारावाहिकों पर एकाग्र हो गए थे, जबकि उनके कलाकार और सीरियलों से जुड़े लोग यही राह दूसरी तरफ से तय करना चाहते थे, धारावाहिकों से चलचित्रों की तरफ। लेकिन वंशीधर जी फिलहाल अपनी दुनिया में पूरी तरह खुश थे और मगन। उनके दोनों धारावाहिकों के कुछ कलाकार, जिनमें एक तो मुख्य पात्र था, धारावाहिक से प्रसिद्धि पाकर फिल्मों की ओर कूच कर चुके थे। कोई और काल्पनिक कहानी पर आधारित धारावाहिक होता तो ऐसी परिस्थिति में किरदार को सुविधा अनुसार मार दिया जाता या कहीं बाहर भेज दिया जाता, लेकिन पौराणिक कहानियों में तो ऐसी छूट नहीं ली जा सकती थी। सो निर्माता वंशीधर जी को थोड़ी परेशानी हुई और दर्शकों से बाकायदा क्षमा सहित निवेदन करना पड़ा कि अपरिहार्य कारणों से यह भूमिका अमुक कलाकार निभा नहीं पा रहा है और अब से दर्शकगण उसकी जगह नए कलाकार को कृपापूर्वक स्वीकारें। लेकिन पौराणिक कथा वस्तु का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि कथानक प्रधान होता है और शक्तिशाली भी। देखने वालों के चित्त में कथा बसी होती है, निर्वाह उसका कौन कर रहा यह उस तरह मायने नहीं रखता। कड़ी के प्रसारण पूर्व स्वयं करबद्ध होकर वंशीधर जी यह निवेदन करते। यूं भी जब से दोनों धारावाहिक सफल हुए थे वे अक्सर हाथ जोड़े हुए ही नजर आते और गाहे बगाहे कुछ व्याख्या या जानकारी प्रस्तुत करने के प्रकरण करने के लिए प्रकरण के प्रारंभ में पर्दे पर प्रस्तुत हो जाया करते। नए कलाकार को प्रवेश कराते हुए उसके लगन समर्पण को रेखांकित करने के लिहाज से वे यह बात बताना नहीं भूले कि इस भूमिका के निर्वाह के लिए उस समर्पित कलाकार ने सिगरेट आदि का त्याग कर दिया है। यह अलग बात है कि दर्शक इस घोषणा से यह संकेत ढूंढ सकते थे कि उससे पहले कलाकार सिगरेट आदि इन लतों व्यसनों आदतों का शिकार रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीरा जी भी वंशीधर जी के सीरियल में आने के लिए कुछ नहीं ले रही या कि कुछ नहीं ले रही। अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत में उन्होंने अपनी मस्ती भरी अंदाजों से दर्शकों को लुभाया था, लेकिन पिछले कुछ समय से वे चुनिंदा फिल्में कर रही थी जिनमें करने के लिए कुछ हो। हालांकि इसी क्रम में वे मुख्य दर्शक वर्ग से कट जरूर गई थी। अभी एक हालिया फिल्म में उन्होंने एक तपस्विनी की भूमिका निभाई थी जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में ध्यान आकर्षित किया था। कहानी एक ऐसे पौराणिक स्त्री की थी जो पति की लंबी साधना तपस्या से जिसकी जीवन बेल सूखने लगती है और फिर वह अरसे बाद उसके पूर्व उपेक्षित प्रेमी के पुनरागमन से फिर से हरिया उठती है। विरक्ति में सूखती जीवनहीन स्त्री की भूमिका को उन्होंने बड़ी सहजता और स्वाभाविकता से, यह कहें कि जीवंत करके रख दिया था। आप भी ही कभी कुछ नहीं लेते, वह अपने से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। महत्वपूर्ण जगहों पर सवाल तो महत्वपूर्ण लोगों से ही किए जाते हैं और वह कहां महत्वपूर्ण था अभी। नहीं, उसने हड़बड़ा कर कहा, फिर अपने आप को संभाला, मेरा मतलब पानी पीता हूं, बस सादा पानी और कुछ नहीं, वे हंस दी।
वंशी जो इतनी कीमती जादुई और सम्भव हुआ करती। नहीं जी, नहीं, नारियल पानी, नींबू पानी, दाल पानी, लस्सी, छाछ, दूध, ये सब लेता हूँ मैं। ओह, फिर हंस दी, यही सब तो हमारे कल्चर की चीज़ें हैं, बहुत अच्छे। उनके होठों का अलग रंग का प्रसादन झलका। अब पता नहीं ऐसे कभी कल्चर का जिक्र सुनकर यूरिन कल्चर का ध्यान क्यों आ जाता उसे। बहरहाल उसने कहा, जी मैं अखबार में हूँ तो कई तरह के प्रस्ताव और अवसर आते हैं, लेकिन मैं तो चाय कॉफ़ी भी नहीं लेता, विनम्रतापूर्वक इनकार कर देता हूँ। अच्छा, तो आप अखबार में भी काम करते हैं? अखबारों की हमारी आज़ादी में अहम भूमिका है, अखबारों की मैं काफ़ी कदर करती हूँ। मेरा नंबर तो होगा आपके पास? सुनहरा जी ने अपना नंबर बताया। जी, अब है, अब मुझे याद हो गया। याद हो गया? कैसे याद कर लेते हैं आप लोग, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता है। मैंने कुछ लिखा तो बिल्कुल नहीं जाता। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ दें कि लिख कैसे लेते हैं आप लोग, उसने पहले सवाल का जवाब रख दिया। मैं लहजे से याद कर लेता हूँ, लहजे से याद कर लेता हूँ, और उन्हीं के लहजे में उनका फ़ोन नंबर दोहरा दिया उसने। इट्स इंटरेस्टिंग, मेमोरी सच में बड़ा क्यूरियस कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस लाइफ मेमोरी पर इधर कई किताबें खरीदी हैं मैंने, एक आपको भी दूंगी फिर मिलूंगी तो, वे कोल्ड ड्रिंक के छोटे घूंट को भरसक दिलचस्प बनाती बोली। आप तो इतनी जानी मानी है, यह कहा नहीं उसने, इस तरह अकेली इधर आप, मतलब कहा कुछ ऐसे, बताया ना उपवास है मेरा, वो तो वंशीधर जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए आ गई, नहीं तो पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करती आज के दिन। उपवास? उपवास क्यों करती होंगी भला, आज बृहस्पतिवार था, उनकी तरफ तो बृहस्पतिवार को लड़कियां लगन के लिए उपवास किया करती, माएं कहती इतने दिन इतने बृहस्पतिवार करो, खासकर ऐसी लड़कियों को जिनकी शादी की उम्र हो गई हो पर शादी तय नहीं हो पा रही। यह तो कारण नहीं होगा सुनीरा जी के लिए, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, 3 बार उनकी शादी के चर्चे हुए थे, पत्र पत्रिकाएं पट गई थी कयासों से, पहली बार तो उन्होंने भी जाहिर किया था अपना इरादा, पर हर बार कोई बात हो गई ऐसी रुकावट, कोई कहीं वह यह वजह तो नहीं, शादीवादी का क्या इरादा है। अभी तो मैं अपने करियर पर ध्यान दे रही हूं, न किए गए सवाल का न दिया गया उत्तर जैसे किसी संगणक पटल यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर झलका। 2 तरह के लोग करते हैं उपवास, जिनके पास खाने को बहुत है और जिनके पास खाने को कुछ नहीं। सुनीरा जी जाहिर है दूसरी श्रेणी में नहीं आती थी, हो सकता है ऐसा वे डाइटिंग के लिए कर रही हों, तारिकाओं के डाइटिंग के किस्से भी पत्र पत्रिकाओं में आते रहते हैं आए दिनों। इसकी भी खासी चर्चा हुई थी कि किस तरह तपस्वी की पत्नी की भूमिका निभाने के लिए सुनीरा जी ने कई किलो वजन कम किया था, जिससे पर्दे पर उस सूखी बेल के बिंब को जीवंत कर सकें। सराहना में लोगों ने कहा था कि बस सचमुच बहुत ही सहज लगी थी उस भूमिका में और एकदम सटीक। चरित्र के साथ कुछ ऐसी एकाकार हुई थी कि तब से खुद भी लहलहा नहीं पाई। फिर अब यह उपवास किस लिए? क्या यह एक धुन आदत या दीवानगी हो गई थी? क्या वे भी शून्य आकार की भेड़ चाल में शामिल होना चाहती थी जो इधर बड़े ही गहमा गमी और बहस का विषय हो गया था? कई नैसर्गिक सुंदर नए गांव के इस होड़ का हिस्सा होकर अपना स्वाभाविक सौंदर्य गवा अजीबो गरीब होते देखा गया था उनको, आप अपनी ही परछाई होते हुए अक्सर उधर चलकर बैठते हैं, कहकर वे किनारे की कुर्सी पर बैठ गई। बैठते हैं, यह उन्होंने अपने लिए कहा था या इसमें वह भी शामिल था? असमंजस में ठिठका था वह कि एक बच्चे ने हाथ खींचकर उसे बिठा दिया सामने की कुर्सी पर। इस माया नगरी में आने के बाद पहली बार वह बच्चा सामने आया था। उसके आने पर वह चारों तरफ देखता ढूंढता कि आया किधर से, फिर जान जाता कि वह कहीं नहीं, भीतर से उसी के आया है।
वह बच्चा जो हमेशा उसके साथ रहता, साथ चलता, और ऐसे हिचक झिझक उलझन कशमकश भरे मौकों पर उसे उबारता। आइए, सुनीरा जी ने फिर से मुस्कुराकर स्वागत किया। हंसते मुस्कुराते या कुछ कहते, होठों और गालों के बीच लकीरें उभर कर नुमाया होती थी उनके चेहरे पर। एक लकीर और उसके बगल में एक छोटी लकीर और, इसे भी अनुनासिक आवाज की तरह ही उनके यौन आकर्षण का हिस्सा माना गया था, अगर कि सेक्स अपील का सही अनुवाद था यह। आइए, इस छोटे से शब्द में जैसे एक बड़ा आमंत्रण था उसके लिए, एक महत्वपूर्ण आमंत्रण, खुद इस जादू नगर की तरफ से जो शायद उसकी तकदीर बदलने वाला था। यहां आ तो गया था किसी के कहे बिना, पर आने के बाद पहली बार कहा था किसी ने आइए। एक ऐतिहासिक शब्द था यह, 3 स्वर्णिम अक्षर, 5 अनमोल अतुलनीय मात्राएं, आइए। देर तक बातें होती रहीं, पता नहीं कौन कौन सी बातें, धीरे धीरे एक नशा उस पर भी छाने लगा। तभी तथागत नजर आया डगमगाता हुआ, सुनीरा जी से इजाजत लेकर वह उसकी ओर बढ़ा, पूरा धुत था। उसका नशा देखकर अपना खुमार गायब हो गया, जैसे होश आ गया। घर चलना है क्या, पूछा। चलते हैं टैक्सी, उसने ऐसे हाथ उठाया जैसे सड़क पर हो। जल्दी से बाहर लेकर आया उसे, टैक्सी, तथागत फिर से चिल्लाया। एक टैक्सी आकर रुकी। कहां जाओ साहब? देवलोक चलो, देवलोक चलो। तथागत ने सीट पर आराम की मुद्रा में आते हुए सिर पीछे की ओर टिका दिया, मानो वह अभी इस दुनिया में नहीं अपने पौराणिक धारावाहिक में चल रहा हो। चालक ने भी आगे कुछ पूछा नहीं और सीधा गाड़ी चलाने लगा। देव जानता होगा शायद, देवलोक कौन नहीं जानता। तथागत अपनी पिनक में मुस्कुराया। वह नहीं जानता था, देवलोक कोई अपार्टमेंट होगा या कॉलोनी या मॉल उनके डेरे के आसपास का, वह नहीं जानता था। क्या करे, नया अनजाना था इस नगर के लिए, उसे तो खुद ठीक ठीक रास्ता भी नहीं मालूम था। डोंट वरी, तथागत ने जैसे उसके भीतर के उहापोह को उतार लिया। मैंने कहा था ना कि ले जाने और वापस ले आने की जिम्मेदारी मेरी। टैक्सी, नजदीक के लोकल स्टेशन के पास उसने टैक्सी इस तरह से रुकवाई जिस तरह से कहीं जाने के लिए रुकवा रहा हो। पैसे काटो, थोड़ा ज्यादा ही काट लो, काटने वाले तो ऐसे ही काटते रहते हैं, पूरी जेब ही, और तुम तो वैसे भी मेहनत मजदूरी करते हो, रातों को जागते हो, तुम कुछ ज्यादा ही काट लो। 2 टिकट देना देवलोक के, स्टेशन के टिकट काउंटर पर उसी अदा में झूमते हुए कहा उसने। इसका टिकट नहीं मिलता, टिकट वाले ने टके से जवाब दिया। पैसे तुम काट लो, टिकट मैं काटता हूं, लाओ, देख क्या रहे हो। अच्छा, दोनों तुम ही काटोगे, पैसा भी टिकट भी, फिर हिसाब कैसे बराबर हो गए हैं? चलो ठीक है, काटो। ये कोई पड़ाव नहीं है, सामने सूचना पट पर स्टेशनों के नाम लिखे हैं, उसमें देखकर सही सही बताओ, टिकट काटने वाले ने इशारा किया। तथागत ने बोर्ड पर अंकित स्टेशनों के नाम पर एक निगाह डाली और फिर टिकट काटने वाले को उपहास भरी नजरों से देखते हुए बड़बड़ाया, अरे ये सारी जगह यहाँ के टिकट है, मैं क्यों लूंगा, इन सब का तो टिकट मेरे पास है, मेरे पास तो पास है, पर मेरे पास नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हो यार, जो मेरे पास है तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, फिक्र किस बात की प्यारे, चलो गाड़ी आ रही, देखो सीटी बजा रही है। खुद लहराते हुए उसे साथ खींचते हुए वह प्लेटफॉर्म पर लेता आया। गाड़ी खुलने को थी, सोचने की न उधर तबीयत थी न इधर मौका, किसी तरह चढ़ गया उसके साथ, पर अब डर लग रहा था, टीटी का उतना नहीं जितना तथागत का, संभाल कर जा तो पाएगा, कहीं बीच में ही नशे के जोम में गिर पड़ ना जाए। टैक्सी में ही घर तक चले चलते, नशे में भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए,
तथागत ने कहा, फिर चहका, अरे ये तो मिसरा हो गया, आधा शेर। वह झूमने लगा, उसका डर बढ़ गया। इसे पूरा करो आधा प्रसाद, कहीं तथागत यह न बोल दे नशे में। हालांकि अब तक उसने हमेशा उसे राधे ही कहा था। आदमी को अपनी बात नहीं भूलनी चाहिए, नशे में भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कुछ कहे वह इससे पहले शेर पूरा कर देने में भलाई थी। आह, ये तो सचमुच पूरा हो गया, अरे वाह रे मेरे शेर। तथागत ने दो धौल पीठ पर जमाते हुए शाबाशी दी। उसे बचपन के गांव के अपने गुरुजी याद आ गए, और याद आया कभी अपनी कभी कभी पीठ ठोकने और पीटने में कितना कम अंतर होता है, जैसे विलक्षण और विक्षिप्त में। नशा यहां जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से उतर भी जाता है। सुबह उसके उठने से पहले तथागत निकल चुका था। रसोई में पाव और दूध रखा हुआ था। नशा उतरने के बाद उसे भूख लगी होगी, खाकर उसका हिस्सा छोड़ गया था। भूख तो उसे भी लगी थी, रात ठीक से खाया पिया नहीं था। एक मन हुआ सीधे खा ले निवृत्त होने तथा हाथ मुंह धोने से पहले, जैसे कई फिल्मों में बाद वाले दृश्य पहले फिल्मा लेते हैं, प्रथम स्पर्श से पहले चरमोत्कर्ष। लेकिन फिर सोचा यह अप्राकृतिक होगा, कम से कम जीवन का सवाल है जहां तक, थोड़े धैर्य की तो बात है। गुजलखाने जाते उसकी आहट से शीशे के पास उस पार बैठा कबूतर फर्र से उड़ गया। उसके उड़ जाने पर आभास होता था कि वह यहां अकेला नहीं। गुजलखाने की बंद खिड़की के दूसर शीशे के उस पार सटकर बैठा रहता कबूतर गौर करने पर उसकी छाया दिखाई देती। उसका आभास और कान लगाने पर सुनाई देती उसकी धीमी धीमी अंतर्मुखी नाद। कभी अपने सामने नहीं हुए थे दोनों, कभी आमने सामने नहीं हुए थे दोनों। शीशा स्थायी रूप से बंद ही रहा करता, कबूतर को भी उस पार से उसकी छाया दिखाई देती होगी। धीरे से दबे पांव जाने पर अगर व्यवधान न हो तो वह बैठा ही रहता। फिर उसकी भरी हुई मंद आवाज सुनाई देती, विचारने की तरह बोलना, जैसे कोई रचने वाला सोच रहा हो। तभी फोन की घंटी बजी। हर संदेश महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण है या हो सकता है। जैसा था वैसा ही बाथरूम से निकलकर उसने फोन उठा लिया। घर में अकेले होने पर ऐसा किया जा सकता है, करना होता है कई बार। यह अत्यंत प्राकृतिक और सहज स्वाभाविक है। सोचकर मुस्कुराया। कोई तथागत को खोज रहा था, कोई संदेश है तो बताएं, उसने कहा। ऐसा कुछ नहीं, बाद में बात कर लूंगा। उधर से आवाज आई, न नाम पूछा न बताया। दरवाजा ठीक से लगा तो है, बाहर से खींचने पर बंद हो जाने वाला दरवाजा था यह। तथागत जाते हुए खींच कर गया तो होगा। दोबारा चिंतन कक्ष जाते हुए ध्यान आया तो फिर दरवाजे तक जाकर तसल्ली कर ली। शौचालय को चिंतन कक्ष कहा करता था। नई जगह थी इसलिए कोशिश करता, उस समय हुआ नहीं कि जब कोई जगह न हो या न हो। यही वह जगह है जहां कुछ करते हुए सोचा जा सकता है। भले ही सोचा कुछ और जाए और किया कुछ और। जैसे जैसे निकलता नीचे से विकार, ऊपर से आते विचार। अरे तथागत सुनेगा तो कहेगा यह भी शेर हो गया। कई बार ऐसा करना जरूरी होता, सत के लिए जगह बनाने के लिए असत की सफाई। तो मित्रों, यह दूसरा अंश, दूसरा अध्याय मैंने पढ़ा पर्दे की दुनिया से देवलोक के दो, जिसका शीर्षक है। और शायद थोड़ा लंबा था यह अध्याय, और मेरे ख्याल से लगभग सवा घंटे से आसपास
समय मैंने ले लिया है, आप सब मित्रों के धैर्य की और परीक्षा न लेते हुए मैं अर्पण जी को आमंत्रित करूंगा पुनः धन्यवाद सहित समाहार के लिए, और उम्मीद करूंगा कि जब यह उपन्यास छप कर आएगा तो आप सब इसे पढ़ेंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया मुझे प्रेषित करेंगे। आप सब मित्रों का जो ऑनलाइन जुड़े और जो बाद में भी इसे देखेंगे, सबका बहुत बहुत आभार, और इस मंच का तो अर्पण जी का धन्यवाद। अर्पण जी जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन अनिमेश जी, बेहद बेहद खास अंश हम लोग सुने इस अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास से, और मित्रों जितने भी अंश हम लोगों ने आज सुने, सचमुच यह उपन्यास हमें बांध लेता है। कई जगहों पर भाषा के साथ जो प्रयोग है, जो नवीन बिंब है, वह भी हमारा ध्यान खींचते हैं, और कई जगहों पर जिस तरह से चुटकी ली गई है, खास तौर से जो वह आकाशवाणी के जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी ओर से कहना तो नहीं चाहिए मगर कहता हूं, तो इस तरह से बड़ा वो शालीन और बड़ा हर तरह से सिद्धहस्त वह कार्मिक है, उसके बावजूद भी वह जिस तरह से उस पूरी परिस्थिति को डील करता है, वह भी कमाल का है। और बाद में एक जगह जो अनाम नायिका है, जो अपने नाम की तलाश में कहां कहां उलझ रही है, वह भी उसको दोहराती है उस तकिया कलाम को, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। तो हमें लगता है कि आज सचमुच मुझे भी कहना नहीं चाहिए कि यह पाठ कितना सुंदर हुआ है, और कितने तरह के वेरिएशंस प्रेम रंजन अनिमेश जी निकाल पाए, यह भी हमारा ध्यान खींचता है कि वह नायिका की आवाज और लगातार उस रेडियो कार्मिक की आवाज की वही लय और नायिका के भीतर का वही ठहराव, वह परेशान है, वह उलझी हुई है, मगर जिस तरह से वह अपने व्यक्तित्व को व्यवस्थित की हुई है, जो एक ठहराव है, जो एक गंभीरता है, जो एक ईमानदारी है, वह चाहती तो आराम से साइन करके वह जान ही गई थी उस लोक गायिका का नाम, और चेक लेके जा भी सकती थी, मगर नहीं, यह उसके भीतर की दृढ़ता है, और उसका मकसद धनराशि को प्राप्त करना नहीं था, उसका मकसद किसी को धोखा देना या किसी को गुमराह करना नहीं था, वह तो खुद ही कहीं ना कहीं अपने नाम को लेकर ही एक रास्ते पर निकली है, जो खुद मंजिल ढूंढ रही है, वह किसी को क्या गुमराह करेगी। और बात का यह हिस्सा भी कितना रोचक है तथागत का, यहां भी बड़े सारे प्रसंग, और शराबी का भी जो अंदाज बोलने का होता है, उसे भी प्रेम जी ने बखूबी अपनी आवाज से यहाँ पर प्रस्तुत किया। यह पूरा उपन्यास और इसके अंश रोचक हैं, और हम सभी को प्रतीक्षा है कि इन दोनों ही उपन्यासिकाओं को हम लोग एक जिल्द में शीघ्र पढ़ सकें, और उसके बाद पुस्तक के आने के बाद एक बार और इस पर कार्यक्रम हो, कुछ और लोग भी जो तब तक इस किताब को पढ़ चुके होंगे वे रहेंगे, और हम एक बार प्रेम जी से पुनः कुछ और सुनेंगे, और उन वक्ताओं को भी। हमारे साथ सुरनाथ सिंह जी, मनोरंजन सिंह जी, उदय भानु पांडे जी, श्वेता कुमारी जी, और जीआरपी सिंह जी, प्रभा मिश्र जी, जयश्री पुरवार जी, रश्मि पाठक जी, शरद रंजन शरद जी, सुधा सिंह जी, सात्विक सृजन, और तमाम दूसरे लोग जुड़े रहे, जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनका यहाँ पर नाम मैंने लिए, और सचमुच अच्छा लगा प्रेम जी की इतनी सघन और इतनी बारीक और इतनी संवेदनशील बुनावट के साथ यह उपन्यास अपनी कथा को आगे बढ़ाता है, हम सभी के बीच अपनी कथा को लेकर आता है। एक जो अंतिम हिस्सा है वह भी
कितना विचारवान है, मैं उसको यहाँ पर एक बार ऐसे ही रिकैप के उद्देश्य रखता हूँ। जब पहले खंड का जो अध्याय आप पढ़ रहे थे, वहां भी एक बहुत नाम को ही लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। देखिए कि कहाँ कहाँ लेखक का ध्यान जाता है। स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, उसके नाम है, लेखक यह बतलाता है। जिन बीच की जगहों पर जहां कोई नाम नहीं है, लेखक उसकी चर्चा करता है, क्योंकि उसका संबंध कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहीं तक वह अपनी बात को नहीं रोक देता है, वह उस स्त्री के भीतर घुसता है और यह कहता है कि इनके नाम किस तरह के होते, तब क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठते। वह लगातार पूरे कथा के वर्णन में उस स्त्री के भीतर जो संघर्ष चल रहा है, उसकी वानगी आ रही होती है अलग अलग दृश्यों में, अलग अलग परिस्थितियों में। जब वह वहां जाती है जहां उसके स्वर्गीय पिता काम करते थे, तो वहां भी कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं। तो यह हिस्सा मैं यहां पर रखना चाहता हूं। और देखिए एक और बात कि एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। जी माफ करेंगे। तो यह भी एक बेहद बारीक बात है कि लेखक इस ओर भी ध्यान दिलाता है। बहुत ही छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी कितनी बारीकियां हैं कि लोग जो हैं ट्रेन को रोक देते हैं, उतर जाते हैं उन जगहों पर जो अनाम हैं, जो सनाम जगहों के बीच की जगहें हैं, मगर वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी जीवन धड़कता है। अगर यह स्त्री अनाम है फिलहाल के लिए, तो क्या हुआ, उसके भीतर भी पूरा जीवन धड़क रहा है, उसका पूरा अतीत उसके साथ चल रहा है, उसके पिता, उसकी तमाम यात्राएं, लोकगीत का उसका वह कार्यक्रम जो 15 वर्ष पूर्व कभी उसने किया था, वे सब चीजें उसके साथ चल रही हैं। वह अपना नाम भूली है, अपना अस्तित्व नहीं, अपने अस्तित्व की वे तमाम जो उसके जो प्रसंग है वे सब नहीं। तो मैं यह कह रहा था कैसे एक एक बारीकियों पर ध्यान दिया गया है कि भाई लोग ट्रेन को रोक देते हैं, मगर लेखक इससे उस परिवेश को तो कहीं ना कहीं लाता ही है। वह परिवेश जहां लोग गाड़ी को जबरन रोक देते हैं, उसका ये करके वैक्यूम करके, मगर अब जो संवेदनशीलता जो है वह कैसे आती है, एक कवि कैसे अपने गद्यकार के भीतर आता है। तब प्रेमरंजन अनिमेश कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि ड्राइवर स्वयं ही रोक देता होगा। यह जो टू-वे ट्रैफिक है सोचने की, यह इस उपन्यास में बार बार उपस्थित है। कई कई कोणों से, कई कई स्तरों से हम देखते हैं कि कथा आगे बढ़ती है और उसका वर्णन भी। तो यहीं पर छोटा सा हिस्सा उस पहले खंड के अध्याय का, वहीं पर यह बात आती है, कुछ लोग होंगे जो गाड़ी को रोकते होंगे इधर, इसलिए कि उनके घर नजदीक होंगे, शायद वे रोज रोकते होंगे यहां गाड़ी को, ड्राइवर भी जानता होगा और किसी दिन उनके न रोकने पर खुद गाड़ी खड़ी कर देता होगा। पर वे छोटे छोटे लोग हैं। यह जो इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, कैसे कोई मूल्यवान बात निकल जाती है, पर वे छोटे छोटे लोग हैं, इसलिए यह पड़ाव अघोषित अनौपचारिक अनाम है। कोई बड़ा आदमी, कोई विधायक, कोई मंत्री इस पड़ाव को औपचारिक कर देगा और फिर यह पड़ाव उसके नाम हो जाएगा। तो कैसे उस पूरे जो मुख्य किरदार है, जो अपना नाम भूल चुकी है, उसके साथ एक प्रसंग जुड़ते चले जाते हैं और कहीं कहीं पाठकों को संकेत भी देते चलते हैं कि आगे क्या क्या चीजें घट रही हैं। नाम के होने, नाम के न होने और नाम के होने के बीच
कि क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उससे कैसे व्यक्ति बदल जाता है। जो जगह अनाम है उसके नाम हो जाने से, जिस भी कारण से जो जगह अनाम है, अगर उसका कोई नाम हो गया तो वह जगह किसी और तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। वह जो स्त्री है जो अपने पिता, अपने स्वर्गीय पिता के हिस्से का कुछ की कुछ राशि शायद नहीं लेना चाहती है वह, मगर अगर वह नाम उसका हो तो क्या पता उसे वह चेक भी मिल जाए। तो इस तरह से एक ऐसा प्रसंग कितना किस तरीके से, किस शिद्दत के साथ यहां पर लेखक रख रहा है। एक ऐसा प्रसंग जो बहुत ही बेसिक है, जो बहुत ही कहिए कि इतना मतलब आवश्यक है कि हम अपने नाम को याद रखें, मगर अपने नाम को न याद रखने वाली उस स्त्री के भीतर जाकर इतनी दूर तक की यात्रा करना कहीं ना कहीं कथाकार की एक बड़ी सफलता है। मैं यही कहूंगा मित्रों, और एक बार पुनः प्रेम रंजन अनिमेश जी को धन्यवाद देता हूं कि वे यहां आए इन अंशों के साथ हमारे बीच, अच्छा लगा, और उन्हें शुभकामनाएं कि यह पुस्तक शीघ्र हमारे बीच फिजिकल रूप में भी आए, और इसके लिए भी धन्यवाद कि इंटरनेट पर यह सामग्री फिलहाल कहीं नहीं है। ये अंश पहली बार जनसुलभ पुस्तकालय पर ही पढ़े गए हैं। तो प्रेम रंजन अनिमेश जी, हार्दिक बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पण जी, और जैसा आपने कहा, उम्मीद करें हम लोग कि जो उपन्यास छप कर आए उसके बाद फिर हम लोग बैठे और तब तक बाकी मित्र भी पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे इस पे, और एक अच्छी चर्चा होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ये इस मंच के लिए शुभकामनाएं आगे के लिए भी, और हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह से। सभी लोग जो जुड़े और जुड़ेंगे और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे अपनी समय और अपने समय और सुविधा के अनुसार, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार।